नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल हांसी विधानसभा का एक क्षेत्र है सातवास और उसके देपड़ गांव में मौजूद हाँ। इस क्षेत्र की खासियत है कि हांसी में कोई भी नेता अपनी राजनीति शुरू करता है, राजनीति में अपने कदम रखता है, आजमाता है, तो इस क्षेत्र के बिना जो है उसकी पार नहीं पड़ती। हर नेता को जो है इसमें जरूर आना पड़ता है क्योंकि इकट्ठे वोट है और ज़्यादा वोट है और एक जगह ये वोट जाते हैं। वीरेंद्र चहल जी है, कांग्रेस के नेता है, आज ये भी जो है देपड़ गांव में पहुंचे हैं। इन पर भी जानेंगे इनकी विचारधारा के कुछ कहना। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। अच्छा, जगर मन ने कहा कि वही सातवास वो क्षेत्र है, इसके बिना किसी भी नेता की जो है पैर नहीं पड़ सकती, आज आप पहुँचे हो। बिल्कुल जी, ये तो अपने पूरे बुढ़ा का टाइम की कहावत है जी, बिना सातवास के अधूरा रह जाए सिस्टम, तो उसे वही आशीर्वाद लेने के लिए हम गांव के समक्ष आए हैं जी। बात कर लूँ मैं गांव वाले से, मिले हो के कुछ रुझाना आए हैं? गांव वाले से मिले हैं जी, इनका तो यही रुझान है कि भाई किसान और किसानी दोनों जिंदा रहे, ऐसी सरकार हमें चाहिए है। ये दमन नीतियों वाली सरकार को उखाड़ फेंकना इस बार, उनका यही साफ संदेश है। आपकी मैं पर्सनली बात कर लूँ, आजकल तूफानी दौरिया पर रहो, कदे शहर में मिलो हो, कदे गांव में मिलो हो, कदे कौन सी बेल्ट में मिलो हो, इतना खिचम खींच को कर ले रहे हो? किसान का बेटा हूँ जी, और मेहनत है अपनी नसों में, खून में भरी 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 पड़ी है जी, तो इनके बीच में नहीं जाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, मुद्दे कहाँ से आएंगे जी? मुद्दे भी इन्हीं के हैं, इन्हीं की सुननी और इन्हीं की सेवा के लिए ही आप आगे बढ़ना है। बीजेपी सत्ता में थी पिछले 10 साल तक, हांसी में पिछले 5 साल से विधायक विनोद बयाना वो भी बीजेपी के हैं, तो बीजेपी थी लेके जो है लोगों की कुछ राय है? बीजेपी तो इस बार जी बिल्कुल ख़त्म पार्टी होली है, और विधायक विनोद बयाना तो 1000 करोड़ रुपया ने लेकिन बेरा नहीं अपना ओरे कितने सेट करना लायक रहा उनने, सारा जो बने बनाए चौक है उनने पैड के ने मलिया मेट कर दिया, कितने घोड़े टांग दिए बेरा नहीं की कर दिया उसने, तो सौदा बेरे नहीं 1000 करोड़ कड़ा मलिया मेट कर दिए। ये भी आते टाइम देखा जी उमरा वाला रोड गड्ढे गड्ढे दिखा, रोड तो कितने दिखता है को नहीं, रोड गायब है, गड्ढे ज्यादा हो गए, गड्ढे ज्यादा जी रोड। नारियल की बात करूं, बयाना साहब नारियल फोड़ा कर, इस रोड का भी फोड़ दिया? तो रोड का फोड़ दिया जी, उनके देखम देख भाई इसकी याद दिलाने के लिए भाई बयाना साहब का याद आ जाए, तो भाई सातवास का रोड मेन रोड है जी, मेन ट्रैफिक आता है यहाँ खानक तक, पहाड़ी क्षेत्र तक लोगों का आना जाना है, तो बिल्कुल बर्बाद हो कर रखा जी कहानियाँ। किसान के जो साधन है वो सारे साधन टूट लिए, मोटरसाइकिलों वाले एक्सीडेंट हो रहे हैं इन पर, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहाँ करेंगे जी? खेत खलियाने की तो बात ही बहुत दूर है, किसानों के लिए पानी का प्रबंध नहीं कर पा रहे, नहर की जो अपनी टैल तक पानी पहुंचाने का है वो चीज़ें सब फैल है इनके। अच्छा, इस क्षेत्र की बात कर लूँ मैं, बयाना साहब ने स्पेशल फोर्स खड़ी करके जो है पानी रोका था थोड़े दिन पहले नदी का, वह तो जो उल्टे काम है, जो लीगल कोर्ट परमिशन देती है उसको उल्टा करते हैं, इलीगल कार्य करने के लिए लात मान पहुंच जाए, उन्होंने तो हमेशा इलीगल कामों की तरफ भागने की ज्यादा रहती है, उन्हें कोई किसान और किसानी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ अपने 8-10 जो भाई बंधु हैं उनके जो कॉलोनी में उनकी सहायता करते हैं, उनकी जेबें भरने और अपनी जेब भरने के अंदर मस्त हैं, कॉलोनी काटने के सिवाय उनको कहीं नहीं नजर आओ। ये थोथे जो काम हो ना, थोथे काम आप जुट रहे हैं बस और कुछ नहीं, चाहे अपना अम्बेडकर चौक की बात कर लो या फिर गलियां बनानी है गांव में, तो सरपंच हैं वो बोल उन इनसे किसी सरपंच से बात करते हैं तो गांव में बजट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हर जगह देखोगे तो किसी का हित देने के में मतलब असमर्थ हो, वो तो सिर्फ अपनी अपनी जेबों तक सीमित रह चुके हैं। राजेंद्र भाई साहब, भाई जी नमस्ते। नमस्कार जी, आपका चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं बात कर रहा था गांव में आए हो और खास करके इस क्षेत्र वाले में, तो बयाना साहब एक तरफ ही अनदेखी कर रहे हैं, तो बुजुर्ग तक मिले हो के कुछ इन समस्या बताई है? समस्या जी गांव की है, अब जैसे जमींदार हम पानी नहीं आ रहा नहरों में, कहीं टूट रही है, कहीं टैल तक पानी नहीं पहुँच रहा, परेशान है जमींदार, और साथ की साथ
बयाना साहब अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग में बढ़ रहा है, कहीं जैसे पीछे अब तुसाम रोड पर कब्जे करवा रहा था, दीवार गिर रहा था, वहाँ बदमाशों को ले जाकर दीवारों को गिर रहा था, जहाँ कोर्ट ने उनको कब्जा दिलवाया उनकी जगह थी, कोर्ट का भी आदेश नहीं मानता, ऐसा है हांसी हल्का का विधायक। और भी जो है कुछ साथी है और यहाँ रेखंड के वाले तो न्यारे दिख जाए भाई जी, नमस्कार। बोलो वो बोला मैं तो फिर राम राम करूँ भाई। राम राम भाई सारे ना, आपके के नाम संजू मलिक भाई। अच्छा खेतों में पानी पुनी टाइम पर पहुंचे है फिर केरोड़ा का पानी तो कौन पहुंचता और काम कर लियो मैं। पानी वाली सबसे बड़ी समस्या यह है, बयाना साहब ने थोड़े दिन पहला जो है सुनने में आई क्षेत्र का पानी रोक दिया था। समस्या कौन, समस्या सारी है बीजेपी में, पानी का तो सहज और सारी समस्या है। तो इस सरकार तो खुश को ना खुश के इसने तो देख के राजी को नहीं ई फिर बदलाव की तरफ है। अलग अलग पार्टियां है, इनेलो होगी, जेजेपी होगी, कांग्रेस होगी, किसकी तरफ मन है भाई? कोई भी आओ कांग्रेस के साथ है, कोई भी कैंडिडेट आओ, कोई कैंडिडेट आ छत्तीसगढ़ में तो कोई भी आओ। बिल्कुल सही बात है, ये काके ताऊ है, इनसे बात कर लें। ताऊ जी राम राम। सरपंच तो खरीद है ना, ना मापा नहीं बोला। मैं तो राम राम करता हूँ। अरे राम राम तो खरी है, तकड़ा होगा। हाँ बिल्कुल ओके। अच्छा हाँसी में पार्टी कौन सी तकड़ी? फिर पार्टी तो माली तकड़ी रहेगी, आने वाली की आने वाली। हाँ जो ई भैया तकड़ी को नहीं, वह तो बेकार है जम मैं। अच्छा और मेरी क्यों पेशी के वॉइस बन पे आ रहा है बबखाने का दंड काय हुआ सर खोल देता आवाज तो बोल देखी जाएगी। नहीं घटिया किस्म के आदमी के चक्कर करा मैं। अच्छा आइया बात चलो सही है फिर। अंकल जी मुझे कि मैं करंट सा दिखे। अंकल जी नमस्कार। ना डर के हो जी बहना और चाहे मुख्यमंत्री हो, जो बात है सच्चाई की कहेंगे। बिल्कुल नजायज काम हो रहे हैं, धोखा पट्टी सारा धन लूट लिया हरियाणा का, ना किसाना करा ना गरीबा करा, किसी का कुछ नहीं करा सरकार ने। ये बाने वाली सरकार पास से भी देखो अपना कांग्रेस आवेगी, उसमें कुछ लोगों की आस सब करेगी, किसानों का मजदूरों का काम, बड़ी अच्छी बात है। अपने गांव की बात कर लूं, अपने गांव में कुछ करवाया बयाना साहब ने? अपने गांव में तो बड़ी की दिखाई को नहीं है, गांव पर्ची लेना था, पर्ची लेना आया था। अरे अरीब आन भी कौन दिया? अच्छा ये बाण भी कौन दिया? एंट्री बंद है, एंट्री बंद कर रखी है लोकसभा में। थी लोकसभा में बीजेपी का कोई बढ़िया उड़े विधानसभा में बड़े बीजेपी का रणजीत जी फोर्स लेके आ गया। तो फोर्स कितनी गेड़ा का गांव आ गए, सात बास कट्ठे हो लेंगे। चलो यार बात सही कही है अंकल जी ने। सर्व साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा डिटेल जो है आपके पास सारी होगी, गांव में जो है के कुछ मिला है, कुछ तो दिया होगा बयाना साहब ने? देखो मैं एक तो प्रेजेंट सरपंच नहीं हूँ, पूर्व सरपंच हूँ, फिर भी डिटेल तो हो गया। डिटेल थोड़ी बहुत है, कुछ तो मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% मिला, उसका 10% मिल गया तो वो तो बहुत कम है। नहीं नाम मात्र मिलना, पूरा हिस्सा नहीं मिलना, हिस्सा तो पूरा मिलना चाहिए। गांव की मोटी मोटी मुख्य समस्याओं की बात करें तो ये हमारी मेन गली है, यह फूटी पड़ी है, मेरा क्या प्रस्ताव दे दिए, मेन गली है, बस स्टैंड से दे रखा है, एस्टीमेट वगैरह सब कुछ दे रखा है। हाँ। नहीं हो पा रही। पीने के पानी का है पर ठीक, पीने के पानी का एक टैंक से दूसरा कहे हम मंजूर हो गया, लेकिन काम तो शुरू नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ है ना। और कुछ ना सफाई दिखा दे भाई, यो भी जो है मेन चौक है भाई, और 10 साल ये भी कि मैं फुटे पड़े है बयानन बड़े ने 10 साल हो गए, देख लो यो मेन चौक, और आप अड्डा पर आए हो और दूर लिकट जाओ। यो आई बाप पे दिखाए तो वीडियो में। चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती अंकल जी, वाली बात है, आप तो आगे दिखने लग रहा है। और विधायक साहब जो है दावे बड़े कर देते हैं कि भाई ये कर दी, खुशहाल बना दी, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है बुरी तरह से जो है विफल नजर आते हैं, ग्रामीणों में जो विरोध नजर आ रहा है और एंट्री बैन तक करने की बात हो रही है। आप किसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करें, इतने वीडियो ने शेयर कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद।